गर्मी गर्मी लोगों को लगता है मैं ग्लो मार रही हूँ. ग्लो नहीं मार रही, पसीने मार रही हूँ पसीने. येलो कलर होता है ना, वैसा कलर का इसका टेक्सचर है, लेकिन ये हाउ द मॉइस्चराइजर लुक्स लाइट प्रेस करना होता है और फिर वो मेल्ट हो जाती है पूरे जेल के अंदर. माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयरएवर यू आर. टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट मॉइस्चराइजर विच आर जेल बेस्ड, विच आर वेरी लाइट येट इफेक्टिव ऑन योर स्किन. क्या है ना, अभी बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है मानसून की वजह से, वेदर में अजीब सी चिपचिपाहट होती है, और ऐसे टाइम पे ना मेरा हैवी ग्रीसी मॉइस्चराइजर यूज करने का मन नहीं होता जो क्रीम बेस्ड होते हैं. सो हमारे लिए जिनकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर एकदम परफेक्ट रहते हैं. बिकॉज मैं एक्ने प्रोडक्ट्स भी यूज करती हूँ जो एक्ने ट्रीटमेंट वाले होते हैं, और वो काफी बार हमारी स्किन को ना डिहाइड्रेट कर देते हैं. सो इसीलिए हमें अच्छे मॉइस्चराइजर यूज करना जरूरी है. मैं आपको डे टाइम के नाइट टाइम के सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन देने वाली हूँ. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट मॉइस्चराइजर के साथ, जिसको मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ. इनफैक्ट मैंने इसके 2-3 जार खत्म ही कर दिए होंगे. दिस इज कंसिडर्ड अ ड्यूप ऑफ क्लिनिक मॉइस्चर सर्च. क्लिनिक का जो मॉइस्चर सर्च है वो सबसे छोटा ही आई थिंक 1000 something rupees का आता है, और इतने साइज का टब तो 2 या 3000 का आता है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव. एंड मॉइस्चराइजर एक ऐसी चीज है जो आप अच्छी क्वांटिटी में लगाते हो. ये सीरम नहीं है कि 2 ड्रॉप में या फिर थोड़े से ड्रॉप्स में आपका काम चल जाएगा. यू नीड गुड क्वांटिटी. तो आई थिंक प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है. इसका खाली एक कॉन है कि इसके अंदर थोड़ी सी फ्रेग्रेंस है, तो अगर आपको फ्रेग्रेंस से इरिटेशन है आप ये वाला मॉइस्चराइजर स्किप कर सकते हो. बट मुझे ये बहुत ब्यूटीफुली सूट होता है. ये न्यूट्रोजना का हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइजर. ये बड़ा वाला टब है जो 1000 rupees का आता है, लेकिन अभी अमेजोन की सेल चल रही है जहां पर आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे. लिंक्स ऑब्वियसली आपको नीचे मिल ही जाएंगे. एक माय हॉल स्टोर का लिंक भी मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे आपको सारे प्रोडक्ट्स विजिबल होंगे. इसका छोटा भी आता है, सो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करो ना, आई वुड से इसका छोटा वाला लो जो 370 समथिंग अराउंड का आता है. वेरी वेरी अफोर्डेबल. और इसका जो टेक्सचर है वो है कुछ इस तरह से. मैं लिड कभी इसकी हटाती नहीं हूँ सो दैट ट्रैवलिंग में ईजी रहे. सो दिस इज हाउ द मॉइस्चराइजर लुक्स लाइक. इसका आउटर पैकेजिंग भी काफी क्लासी है. क्वांटिटी यू कैन सी बाहर से दिखती बड़ी है, लेकिन अंदर से इतनी क्वांटिटी नहीं है. बट दिस इज हाउ द मॉइस्चराइजर लुक्स लाइक. बहुत लाइट जेल बेस्ड, और ये हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर है. इनफैक्ट ये क्लेम करते हैं इनके अंदर 50% मोर हाइलुरोनिक एसिड है जो 72 आवर्स की हाइड्रेशन देता है. इसका भी क्लेम क्लिनिक मॉइस्चर सर्च जैसा ही है. आई लव हाउ माय स्किन शाइन्स आफ्टर यूजिंग दिस वन. बहुत अच्छा फील होता है, स्किन में ग्लो बहुत अच्छा लेके आता है. एक कशिका ज्ञान दूंगी जो हमेशा कहती हूँ, हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट लगा रहे हो तो थोड़ा सा वाटर स्प्रे कर लेना फेस पे, सो दैट एप्लीकेशन के टाइम उसको थोड़ा सा वाटर मिल जाए. ये ज्यादा अच्छा वर्क करता है. अदरवाइज ह्यूमिड एनवायरमेंट में ना वो ज्यादा वाटर फिर एब्जॉर्ब करता है और स्किन आपकी कहीं ना कहीं डिहाइड्रेट और हो जाती है. ये कॉन होता है हाइलुरोनिक एसिड का अगर आप कुछ पानी स्प्रे नहीं करोगे इसको लगाते वक्त. सो दिस इज रियली नाइस. ये पर्सनली मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है जब मैं हैवी मेकअप करती हूँ, बिकॉज ये मेरी स्किन को प्लम्प रखता है, कहीं ना कहीं ग्लो अच्छा आता है, और उसको अंदर से जो हाइड्रेशन देता है ना, इट इज अमेजिंग. मेरा मेकअप क्रैक नहीं होता, पैचेस नहीं पड़ते, ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टे भी करता है. सो दिस रियली ग्रेट फॉर डे टाइम बिफोर मेकअप. नेक्स्ट मॉइस्चराइजर इज समथिंग जो मैंने अभी रिव्यू किया है. अगर आपने मेरी प्रीवियस Q&A वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने क्वेश्चंस और अजम्पशंस का आंसर दिया था, उसमें मैंने इसी की बात करी थी. इस पर्टिकुलर रेंज की सनस्क्रीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आई लव इट. सो ये एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस जेलो मॉइस्चराइजर जो दिखता है कुछ इस तरह से, ग्लास की इसकी पैकेजिंग आती है, वेरी वेरी क्लासी. और इसका जो अंदर का टेक्सचर है बेसिकली वो है एकदम येलो कलर का, जो हल्दी येलो कलर होता है ना वैसा कलर का इसका टेक्सचर है, लेकिन ये जेल बेस्ड है. काफी लाइट और जेली जेली फील होता है जब आप इसको लगाओगे ना, आपको थोड़ा सा येलो टिंट फील होगा अपनी स्किन पे, बट ओवर द टाइम मसाज करने के बाद वो अच्छे से चला जाएगा. इसमें भी फ्रेग्रेंस है बट फ्रेग्रेंस इरिटेट नहीं करती. इसकी फ्रेग्रेंस एग्जैक्टली मैंगो बाइट जैसी है. जब मैंने फर्स्ट टाइम लगाया था ना, आई वाज लाइक कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है बचपन का, फिर याद आ रहा है हाँ मैंगो बाइट खाते थे जो उस टाइम 50 पैसे की आती थी, अब 1 या 2 रुपए की हो गई है. यार मैं थोड़ी सी 95 बॉर्न हूँ तो मैं उस जमाने की होती है, इतनी मतलब मैं ओल्ड लगती नहीं. ठीक है, इसके अंदर बाय द वे फ्रूट्स भी हैं और एक्टिव्स भी हैं. इसके अंदर विटामिन सी भी आपको मिलेगा, इसके अंदर आपको पपाया मिलेगा, इसके अंदर आपको हाइलुरोनिक एसिड भी मिलेगा, तो अगेन ये भी हाइड्रेशन के लिए अच्छा है. ये मॉइस्चराइजर स्पेसिफिकली उन्होंने एक्ने मार्क्स पिगमेंटेशन के लिए बनाया है, तो अगर आपको एक्ने मार्क्स के इशू है, पिगमेंटेशन के इशू है, और थोड़ी बहुत स्किन आपकी डिहाइड्रेटेड रहती है मेकअप करने से पहले, आप अच्छा ग्लो चाहते हो, तो आप ये मॉइस्चराइजर ले सकते हो. अगेन बहुत अच्छी ड्यूई ग्लो देता है आपकी स्किन को. नेक्स्ट मॉइस्चराइजर फ्रॉम द ब्रांड डॉटन की. इनफैक्ट आई कैन सी ये एकदम एक्वालॉजिका का कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट है, बिकॉज दोनों ही काफी सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ लुक वाइज. पैकेजिंग तो नहीं बोलूंगी, लेकिन जो मेन क्लेम है इनका, लाइक ये भी विटामिन सी सॉर्ट ऑफ बेस्ड है, ये भी थोड़ा जेल फॉर्मुलेशन में विटामिन सी का मॉइस्चराइजर है. ये डॉटन की का विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर. 60 ml की आपको क्वांटिटी मिलती है, काफी क्यूट पैकेजिंग है जैसे डॉटन की हमेशा होती है. इसका जो टेक्सचर है इट्स मोर लाइक सॉर्वे. अपने आपको
सॉर्बे बोलते हैं, इट इज राइट लाइक यू कैन सी एकदम जेली जेली इसका टेक्सचर है. अगेन वेरी लाइट ऑन स्किन, काफी पतला पतला फील होता है, जैसे जेल होता है ना, एलोवेरा जेल, बिल्कुल वैसा. द थिंग इज इसके अंदर भी फ्रेग्रेंस, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज्यादा खट्टी फील होती है. मतलब इसके अंदर स्ट्रेट अप जैसे मौसमी संतरे की एक स्ट्रॉन्ग सिट्रसी खुशबू होती है ना, वो इसमें से आती है. सो अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग खट्टी खुशबू नहीं पसंद ना, आपको शायद ये पसंद नहीं आने वाला. एक्वालॉजिका वाला स्टिल थोड़ा सा मैंगो बाइट जैसा, थोड़ा सा स्वीटर साइड पे है, बिकॉज इसके अंदर विटामिन सी का काफी स्ट्रॉन्ग सोर्स है. इसके अंदर आपको बेसिक विटामिन सी, पपाया, सबका एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा. इसके अंदर आपको 3 टाइप्स ऑफ विटामिन सी मिलेगा. मैं भी शॉक हो गई थी, मैं जब कल नोट्स बना रही थी, जब मैंने पढ़ा, आई वॉज ऑल्सो शॉक कि 3 तरह के विटामिन सी इन्होंने मॉइस्चराइजर में डाल दिए. सो इसके अंदर एक तो काकादू प्लम का सोर्स है जो इन्होंने लिखा हुआ डार्क स्पॉट पे काम करता है. फिर इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड है जो आपको बहुत सारे विटामिन सी सीरम्स में मिलता है, जो हाइपरपिगमेंटेशन में बहुत अच्छे से काम करता है. और थर्ड इसके अंदर है सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, जो इन्होंने क्लेम किया है स्किन इलास्टिसिटी और फर्मनेस पे वर्क करता है. तो इन्होंने 3 सोर्स ऑफ विटामिन सी एक मॉइस्चराइजर में डाले हुए हैं. तो अगेन अभी भरी गर्मी में ना मैं इसको मॉर्निंग में रिकमेंड नहीं करूंगी, बिकॉज अभी सनलाइट काफी हार्श है, और इतना ज्यादा अगर लगा भी लोगे ना तो इसके बाद फिर आप सनस्क्रीन अच्छे से लगाओ तो बेटर रहेगा. अगर आप सनस्क्रीन इतना ज्यादा भर के नहीं लगाते तो आई वुड से इसको मॉर्निंग में मत यूज करना, नाइट टाइम में यूज करना. ये काफी सही है डार्क स्पॉट्स के लिए, एक्ने मार्क्स के लिए, बिकॉज विटामिन सी का काफी अच्छा सोर्स है ना, तो आपके डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन एक्ने मार्क्स को ही ओवर टाइम कहीं ना कहीं फेड आउट कर देगा. इसके अंदर वो ड्यूई हाइड्रेशन वाला इतना फील नहीं होता, दिस हैज मोर लाइक अ मैट इफेक्ट. मतलब इसको लगाने के बाद जब स्किन में चला जाता है ना तो एक मैट इफेक्ट फील होता है. ये वाला स्टिल इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है तो थोड़ा सा ड्यूई सॉर्ट ऑफ फील होता है. तो अगर आप थोड़े से ड्यूई फॉर्मुलेशन के फैन हो, आपको अच्छा ग्लोई स्किन पसंद है तो आप ये ले सकते हो. अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा मैट फील पसंद है तो आप ये डॉटन की ले सकते हो. नेक्स्ट मॉइस्चराइजर इज ऑल्सो फ्रॉम डॉटन की, लेकिन ये उनकी नाइट टाइम रेंज में से है. ये उनकी सीका रेंज का डॉटन की सीका कामिंग स्किन रिन्यूइंग नाइट जेल. यू कैन सी मैंने पूरा खत्म कर दिया है, थोड़ा सा एक ड्रॉप भी नहीं बचा है. ये मेरा फेवरेट नाइट जेल था, ये जब आया था ना पीआर में मैंने स्टार्टिंग में इसको पूरा फिनिश कर दिया था. मैंने इनकी पूरी सीका रेंज रिव्यू करी थी अपने इंस्टाग्राम रील पर, मैंने इनके साथ एक स्पॉन्सर्ड कोलैबोरेशन करी थी एंड आई लव्ड इट. इस सीका रेंज का फेस वॉश बहुत अच्छा है, टोनर बहुत अच्छा है, बॉडी स्प्रे बहुत अच्छा है, वो तो इनफैक्ट मेरा फेवरेट है, मैंने अपने वॉशरूम में रखा हुआ है. मैं हाफ बॉटल उसकी खत्म कर चुकी हूँ. ये पूरी जो सीका रेंज है ये स्पेसिफिकली बनी है एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए. तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपको एक्ने बहुत ज्यादा निकलते हैं ना, तो ये रेंज आपके लिए परफेक्ट है. बिकॉज मैं आपको सीका तो मिल ही रहा है जो कहीं ना कहीं स्किन को काम डाउन करता है, नरिश करता है, बट एट द सेम टाइम आपको और भी इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं. सो सीका अगर आपको नहीं पता, सीका होता है सेंटला एजैटिका, उसको शॉर्ट में हम सीका बोलते हैं. ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट होता है जो रेडनेस को कम करता है, जो स्किन को सूथ करता है. अगर आपको रेडनेस हो गया, एकदम इन्फ्लेमेशन हो गया, उसको सूथ करने में हेल्प करता है. देन इसके अंदर नायसिनमाइड भी है, विच इज अगेन वेरी गुड फॉर डार्क स्पॉट्स, एक्ने मार्क्स. इसके अंदर ग्रीन टी भी है जो अगेन इन्फ्लेमेशन को सूथ करती है. देन इसके अंदर टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी है जो कि जिसकी खुशबू काफी प्रोमिनेंट आती है. ये अपना आपको फ्रेग्रेंस फ्री क्लेम करते हैं. जो पूरी सीका रेंज है ना वो फ्रेग्रेंस फ्री है, लेकिन इनमें से जो खुशबू आती है वो टी ट्री एसेंशियल ऑयल की आती है. तो ये फ्रेग्रेंस फ्री है लेकिन एसेंशियल ऑयल फ्री नहीं है. आजकल हम मार्केट में काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रांड बोलती है फ्रेग्रेंस फ्री लेकिन लोग कहते हैं हमें तो इसमें से खुशबू आ रही है, बिकॉज के ना एसेंशियल ऑयल होता है. सो आप अपनी स्किन का पहले ध्यान रखो, आप पहले इंश्योर करो आपको फ्रेग्रेंस से एलर्जी है, फिर एसेंशियल ऑयल से भी एलर्जी है. काफी लोगों को एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर जाता है. सो अगर आपको नहीं करता तो ये रेंज काफी सही है, बिकॉज अगेन टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी एक्ने के लिए बहुत अच्छा होता है. रात को लगाने के लिए सबसे बेस्ट ये प्रोडक्ट है. अगर आप कुछ भी सीरम्स एंड ऑल नहीं यूज करना चाहते ना, जस्ट वॉश ऑफ फेस, डबल क्लेंजिंग कर लो, सनस्क्रीन हटा दो, उसके बाद इसकी एक थिन लेयर लगा लो एंड यू आर गुड टू गो. ये स्किन को नरिश बहुत अच्छे से करती है ओवरनाइट. जो सीका नायसिनमाइड सब कुछ है ना वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे वर्क करता है. सो आई लव दिस वन. टॉकिंग अबाउट अनदर स्लीपिंग मास्क जो आजकल मेरा फेवरेट चल रहा है, इनफैक्ट मैंने पूरा एक खत्म ही कर दिया. मैंने इनके साथ स्पॉन्सर कॉन्टेंट बनाया था अभी 2 या 3 वीक पहले. आई लव द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्लीपिंग मास्क विद अ जेंटल पील, दोनों कॉम्बिनेशन इतना अमेजिंगली वर्क करता है. ये है डॉक्टर शैद का हल्दी एंड हाइलुरोनिक एसिड स्लीपिंग मास्क. इसके अंदर मिलेगा आपको 0.5% हाइलुरोनिक एसिड जो अगेन स्किन को हाइड्रेशन अच्छी देता है. 1% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स भी मिलता है जो अगेन स्किन के लिए बहुत सूदिंग है. स्कोलेन भी है इसके अंदर 2%. सो ये वाला एक ऐसा स्लीपिंग मास्क है जिसको लगा के एकदम ड्राई ड्राई फील नहीं होता. सो जिस दिन भी मैं केमिकल पील्स यूज करती हूँ, कोई एक्ने ट्रीटमेंट यूज करती हूँ, लाइक सैल्सिलिक एसिड सीरम यूज कर लिया, फिर डॉक्टर शैद का एक जेंटल पील यूज कर लिया, उन सबके बाद मैं इसको लगाना प्रेफर करती हूँ. बिकॉज वो सारे पील्स और केमिकल ट्रीटमेंट यूज करने के बाद ना स्किन बहुत अजीब सी डिहाइड्रेट हो जाती है, और इसके अंदर जो स्कोलेन है ना वो स्किन को नरिश बहुत अच्छे से करता है. देन इसके अंदर टर्मरिक ऑयल के ग्लोब्यूल्स भी हैं, तो इसके अंदर छोटे छोटे ना आपको येलो येलो कलर के ऐसे बहुत ही टाइनी बॉल्स दिखेंगे, जो आई थिंक अभी कैमरा पे भी कैप्चर नहीं होंगी. आई डोंट थिंक माई कैमरा वुड कैप्चर. कैन यू सी इसके अंदर छोटी छोटी टर्मरिक के ग्लोब्यूल्स है, जिसको आपको ऐसे प्रेस करना होता है और फिर
फिर वो मेल्ट हो जाती है पूरे जेल के अंदर और फिर आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। ये जो टर्मरिक ऑयल की ग्लोब्यूल्स है ना, ये भी बहुत नरिशिंग होती है। टर्मरिक हम सबको पता है हल्दी इंडियंस का फेवरेट इंग्रेडिएंट, डलनेस को पिगमेंटेशन को कम करता है, सो ये भी आपके एक्ने मार्क्स के साथ ओवर द टाइम वर्क करेगा। बस ये प्राइस ही है, तो अगर ये अमेज़न पे अभी सेल पे आपको मिलेगा ना तो काफी अच्छी डील पे एकदम सही रहेगा, बिकॉज वैसे थोड़ा सा प्राइस ही है फॉर द क्वांटिटी। आई जस्ट विश इसकी क्वांटिटी थोड़ी और ज्यादा होती, बिकॉज जितना हम प्राइस पे कर रहे हैं इतनी सी क्वांटिटी थोड़ी सी कम पड़ती है। और स्लीपिंग मास्क है ना, तो मैं भी एक अच्छी थिन लेयर लगाना प्रेफर करती हूँ, तो इसकी अच्छा खासा साइज मैं कॉइन साइज तो इतना लेती हूँ, फिर उसकी एक थिन लेयर बनाती हूँ, तो उस हिसाब से बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आई जस्ट विश या तो इस पर डिस्काउंट बहुत धमाकेदार आ जाए या फिर इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें तो एकदम परफेक्ट रहेगा। एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट मॉइस्चराइजर जो है डर्माकोका, यह डर्माकोका स्कॉलिन प्लस जिंक ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। ये काफी पुराना प्रोडक्ट है, अब तो डर्माकोका के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो फ्रेग्रेंस फ्री हो गए हैं, ये पुराने वाला है तो इसके अंदर फ्रेग्रेंस है। एंड आई डोंट नो इसका अभी कोई न्यू इंप्रूव्ड वर्जन आया है फिर नहीं आया, ये मेरे पास एक या दो साल से रखा हुआ था। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, इसके अंदर स्कॉलिन एंड जिंक है। ये एक लौता ऐसा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है जो इतना ज्यादा भी आपकी ऑयली स्किन को मैट एंड ऑयली बनाता है, बिकॉज इसके अंदर स्कॉलिन काफी अच्छा है, बट एट द सेम टाइम इन्होंने जिंक भी डाल दिया। जो ऑयल जो हमारा प्रोड्यूस होता है ना स्किन से, जिंक उस ऑयल को कंट्रोल करने में काफी हद तक हेल्प करता है। सो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो एकदम बैलेंस बना के चलता है आपकी स्किन को। आई जस्ट शो यू द टेक्सचर, इसका भी टेक्सचर एकदम जेली लाइक, और अब तो काफी सॉलिडिफाई भी हो चुका है, कुछ ऐसा हो चुका है मोर लाइक अ जेली जेली फिनिश। इसमें से अभी बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम जैसी खुशबू आ रही है, बिकॉज डर्माको पहले अपने प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस डालता था। अब थैंक गॉड सबके क्रिटिसिज्म के बाद जब सबने बोला कि हटाओ, अब इन्होंने अपने काफी प्रोडक्ट्स में से फ्रेग्रेंस हटा दी है, बट इसकी भी काफी अच्छी अभी शाइनी शाइनी फील हो रहा है, थोड़ी देर बाद ही काफी अच्छे से सेटल डाउन हो जाता है स्किन पे, तो इतना ज्यादा ड्यूई शाइनी फील नहीं होता, बिकॉज जो जिंक है वो काफी अच्छे से सेमी मैट फिनिश देता है। तो ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए क्लेम करता है ना, विच इज राइट। तो अगर आपकी सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन स्किन भी है ना, लाइक टी जोन से ऑयल निकलता है लेकिन ये चीज थोड़ी सी ड्राई है, तो स्कॉलिन का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। सो अगर आपको फ्रेग्रेंस से इशू नहीं है आप भी ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। सो दीज आर ऑल माई टॉप पिक्स फ्रॉम जेल मॉइस्चराइजर कैटेगरी। इसके अलावा अगर आपने कोई भी जेल मॉइस्चराइजर ट्राई किया हो जो मैंने इस वीडियो में ना फीचर किया हो, बिकॉज मैंने खाली लिमिटेड 5 आपको ऑप्शन दिए, ज्यादा दो ना तभी भी ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है, बट फिर भी कोई हो जो आपको अच्छे सूट करा है, जो आप रिकमेंड करना चाहते हो, अपना ज्ञान जरूर देना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। जस्ट शेयर योर स्किन टाइप और कोई मॉइस्चराइजर जो जेल बेस्ड आपको सूट कर रहा हो। आई ऑलवेज से मैं एक इंसान हूँ यार, मैं सब कुछ नहीं ट्राई करके बता सकती, इसलिए मैं कहती हूँ कॉमेंट सेक्शन को भी यूजफुल बनाओ, अपना रिव्यूज भी डालो। इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, माय हॉल स्टोर का एक लिंक भी मिलेगा, सबके लिंक्स वहां मिलेंगे, और जो माय हॉल स्टोर का लिंक होगा उस पर क्लिक करोगे आपको सारे लिंक्स काफी इजीली विजिबल होंगे, सो यू कैन वॉच दैट एज वेल। एंड दैट इज टुडेज वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।